नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। आज 3 मार्च है, साल के तीसरे महीने का ये तीसरा दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। संयुक्त राष्ट्र ने आज ही के दिन यानी 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाने का ऐलान किया। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य दुनिया के वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसकी शुरुआत थाईलैंड द्वारा दुनिया के जंगली जीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था। फ्लोरिडा संयुक्त राज्य के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। इस राज्य के भूस्थल का अधिकांश हिस्सा एक बड़ा प्रायद्वीप है। साधारणतः इसकी गर्म जलवायु की वजह से इसे सनशाइन स्टेट के रूप में जाना जाता है। इस राज्य में 4 बड़े शहरी क्षेत्र, कई छोटे छोटे औद्योगिक नगर और बहुत से छोटे कस्बे हैं। आज ही के दिन 3 मार्च साल 1845 में फ्लोरिडा अमेरिका का 28वां राज्य बना था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को पूरी दुनिया आमतौर पर टेलीफोन के आविष्कारक के रूप में ही ज्यादा जानती है। बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि ग्राहम बेल ने न केवल टेलीफोन बल्कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई और भी उपयोगी आविष्कार किए हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का आज ही के दिन 3 मार्च साल 1847 में जन्म हुआ था। जमशेद जी नुसीर वांजी टाटा भारत के पहले उद्योगपति थे, जिन्होंने भारत की सबसे बड़ी मिश्र कंपनी टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। उनका जन्म 3 मार्च साल 1839 को गुजरात के नवसारी नाम के छोटे कस्बे में हुआ था और बाद में उन्होंने ही टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी की स्थापना की। टाटा को भारत में भारतीय उद्योग का जनक कहा जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।